मैयर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राम निवास उर्मलिया एवं क्षेत्रीय जन कल्याण समिति के अध्यक्ष मैयर ने सरला नगर में प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें राम निवास उर्मलिया ने बताया कि 2020 में अल्ट्राटेक सीमेंट प्रबंधन द्वारा श्रमिकों से जो वादे किए थे वह पूरे नहीं किए गए। ज्ञात हो कि पूर्व यूनिट हेड मनीष अग्रवाल के समक्ष सन 2000 में वार्तालाप हुई थी, जिसमें समस्त श्रमिकों को LDA दिया जाएगा। विगत 20 से 25 वर्षों से कार्यरत सुरक्षा गार्डों की उपेक्षा की जा रही है, वही नए गार्डों को जो वेतन दिया जा रहा है वह स्थानीय गार्डों को नहीं दिया जा रहा। वेज सेटलमेंट के मुताबिक प्रत्येक श्रमिक की सैलरी 10,000 अतिरिक्त किया जाना है। वही कार्यरत कर्मचारियों के प्रमोशन के स्थान पर डिमोशन कर दिया गया है, जो सरासर गलत अन्याय है। इसके साथ ही कई मुद्दों पर चर्चा की गई। 30 दिवस का अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री को समय देकर मांगों को पूरा करने का अल्टीमेटम दिया है। निर्धारित अवधि पर कार्रवाई न होने पर क्षेत्रीय जन कल्याण समिति द्वारा विशाल जन आंदोलन किया जाएगा। अल्ट्राटेक सीमेंट प्रबंधन के द्वारा पूर्व यूनिट हेड मनीष अग्रवाल के समक्ष सन 2020 में वार्ता हुई थी। समस्त ठेकेदारी श्रमिकों को LTA दिया जाएगा, लेकिन माइंस कार्यरत समस्त ठेकेदारी श्रमिकों को अभी तक इसका लाभ नहीं दिया गया। विगत 20-25 वर्षों से कार्यरत सुरक्षा गार्डों की अपेक्षा नए भर्ती किए गए सुरक्षा गार्डों को ज़्यादा वेतन दिया जाता है। जो पहले से यहाँ काम कर रहे हैं सुरक्षा गार्ड वाले, उनको कम वेतन दिया जा रहा है। जो अभी नए सुरक्षा गार्ड वाले आए, उनको अधिक वेतन दिया जा रहा है। ये मतभेद क्यों हो रहा है, ये समझ से परे है। वेज सेटलमेंट के मुताबिक प्रत्येक श्रमिक की सैलरी में 10,000 रुपये अतिरिक्त दिया जाने का वादा किया गया, जो हर अल्ट्राटेक में और जगह है, यहाँ नहीं दिया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है। अल्ट्राटेक की सभी कंपनियों में कर्मचारियों के आने जाने हो तो निःशुल्क बस सुविधा तथा कैंटीन में रियायती दर का लाभ दिया जाता है। जितनी भी अल्ट्राटेक कंपनियाँ हैं अपने आसपास अगल बगल हिंदुस्तान में, जहाँ जहाँ वहाँ सारे अल्ट्राटेक में नियम एक है, उनको सबको बस की सुविधा दी जा रही है, लेबर को आने जाने की सुविधा, कंटीन में रियायती दर में उनको भोजन और नाश्ते की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन यहाँ वो भी नहीं उपलब्ध है। स्टाफ में कार्यरत कर्मचारियों को प्रमोशन के स्थान पर डिमोशन कर दिया गया है, जो सरासर अन्याय है। बाहरी ठेकेदारों को ज़्यादा महत्व और ज़्यादा सुविधाएँ दी जा रही हैं, जबकि क्षेत्रीय ठेकेदार मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। बाहरी ठेकेदारों को हटाया जाए यहाँ से। 60 से 70 ठेकेदार बाहर की आए हुए हैं और बाहर 1200 लेबर बाहर की आई हुई है, जिनको हटाकर हमारे यहाँ के ठेकेदारों को काम दिया जाए और हमारे यहाँ के श्रमिकों को, लेबरों को यहाँ पर रखा जाए। ये पहले भी बात हुई थी, सिक्योरिटी गार्ड में भी बात हुई थी इनसे प्रबंधन के सामने कि हम लोकल सिक्योरिटी गार्ड में जो नई भर्ती करेंगे लोकल सिक्योरिटी गार्ड में रखेंगे। आप लोगों को भी अगर ध्यान हो, उस समय समझौता हुआ था। अल्ट्राटेक कंपनी द्वारा जन भागीदारी CCR के तहत समस्त किसी भी ग्राम पंचायत में कोई भी कार्य आज तक नहीं किए गए। पानी का घोर संकट चल रहा है हर गांव में, आप पता करवा लो, हर जगह पानी की अव्यवस्था है। सरला नगर ये अल्ट्राटेक कंपनी गोद लिए हुई है, लेकिन किसी भी गांव में कोई भी सुविधा नहीं। अगर काम कराया हो तो उसकी जानकारी दें कि कहाँ काम कराएं, बैठा घटा दें। स्टाफ में पदस्थ JP सिंह, अजय रंगा व श्री पंकज अग्रवाल द्वारा कमीशन लेकर ठेकेदारों को काम दिया जा रहा है। बाहर से ठेकेदार बुला के यहाँ और उनसे कमीशन लेके और सेट करके उनको काम देते हैं। अल्ट्राटेक कंपनी द्वारा संचालित स्कूलों में श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क सुविधा दी जाए, साथ ही हॉस्पिटल में पर्याप्त डॉक्टर स्टाफ की व्यवस्था की जाए। अल्ट्राटेक कंपनी सरला नगर में श्रमिकों को किए गए बोनस भुगतान की 3 गुना राशि अन्य अल्ट्राटेक कंपनियों में दी जा रही है, यहाँ क्यों नहीं दी जा रही? अल्ट्राटेक कंपनी सरला नगर की पिपराहट, तिलौरा एवं उमड़ौर माइंस में जिन किसानों की जमीन ली गई है, अधिग्रहित की गई है, उनको वादा किया गया था कि हम जब चालू करेंगे एक आदमी को वहाँ उनके घर के रोजगार देंगे। आज तक किसी भी आदमी को रोजगार नहीं दिया जा रहा, जो दिया जाए तब ये माइंस चालू होंगी। शारदा महाविद्यालय सरला नगर से डेल्हा मोड़ तक 2-way रोड का निर्माण कार्य कराया जाए, अधिकतम क्षेत्रीय लोगों को रोजगार नौकरी पर रखा जाए। उपरोक्त बिंदुओं पर आवश्यक कार्यवाही करने के लिए क्षेत्रीय जन कल्याण संघर्ष समिति द्वारा 30 दिन का समय दिया जा रहा है। अगर इस 30 दिन के अंदर ये सारी मांगों को नहीं मानते हैं तो विशाल जन आंदोलन श्रमिक किया जाएगा। जैसा कि अल्ट्राटेक के नाम से प्लांट चल रहा है, अल्ट्राटेक तो हो चुका है, अब ये क्यों नहीं चढ़ा, ये इनकी
व्यवस्था है, इनकी कमियां हैं, लेकिन ये मैयर सीमेंट के नाम से ही पूरा काम कर रहे हैं। अल्ट्राटेक का नाम कहीं भी यही तो बदमाशी हो रही है, यहीं पर तो इनकी चालबाजी है। इसमें क्या निर्णय रहेगा आपका? निर्णय अल्ट्राटेक के नाम से है काम, अल्ट्राटेक के नाम से पूरा काम चल रहा है। जितना कर्मचारी है उनका जो कार्ड है अल्ट्राटेक के नाम से बनाया जा रहा है, और अगल बगल जितनी भी फैक्ट्री है अल्ट्राटेक के, वहाँ पता करवा लिया जाए कि वहाँ जो सुविधाएं दी जा रही वो यहाँ भी दी जाए। जैसे इस प्लांट में बाहरी ठेकेदारों का जमावड़ा है, बाहर ठेकेदार उड़ीसा उत्तराखंड के लोग काम, तो अपन ने मुद्दे पर बात रखी है कि भाई जो 60-70 बाहर के ठेकेदार हैं बुलाया गया है और 1200 लेबर, उनको यहाँ से बाहर किया जाए, हमारे क्षेत्र के लोगों को ठेकेदारी दी जाए और यहाँ के लेबर को रखा जाए, यहाँ के लोगों को काम दिया जाए। सतना मैयर से यूडी न्यूज के लिए प्रेमानंद सावलानी की रिपोर्ट।